राज्य आज मना रहे अपना स्थापना दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के लोगों को स्थापना दिवस के अवसर पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया प्रधानमंत्री का स्वागत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डेंगू की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। राज्यों को केंद्र के पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। देश में GST लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक राजस्व संग्रह। अक्टूबर 2021 में 1,30,127 करोड़ रुपए का सकल GST राजस्व का हुआ संग्रह। अक्टूबर 2020 में हुए राजस्व संग्रह के मुकाबले 24% अधिक। दिल्ली और तमिलनाडु में पहली से आठवीं तक के स्कूल खुले। कक्षाओं में सिर्फ 50% छात्रों को बैठने की अनुमति। ऑनलाइन कक्षाएं भी रहेंगी जारी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में दी गई 106 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक। रिकवरी रेट बढ़कर 98.20% हुआ। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 24 करोड़ 74 लाख के पार। मृतकों की संख्या 50 लाख 14 हजार से अधिक। रूस में कोरोना मामलों में हो रही लगातार बढ़ोतरी। 11 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद स्थिति में नहीं सुधार। अब खबरें खेल जगत से। T20 विश्व कप में आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। इससे पहले दुबई में कल रात भारत को मिली लगातार दूसरी हार।